निर्भया गैंग रेप और मर्डर केस के दोषियों की फांसी के लिए 3 मार्च की सुबह 6 बजे का वक्त तय हुआ। पटियाला हाउस कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी किया। शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े को मध्यस्थ नियुक्त किया। पूर्व CIC वजाहत हबीबुल्ला और वकील साधना रामचंद्रन भी साथ जाएंगे। अगली सुनवाई 24 फरवरी को। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे और NCP चीफ शरद पवार के बीच अनबन के संकेत। पार्टी प्रवक्ता नवाब मलिक बोले, राज्य सरकार की SIT करेगी भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच। NPR का काम शुरू करने से पहले शिवसेना, NCP और कांग्रेस के बीच सहमति जरूरी। दिल्ली सरकार ने मंत्रिमंडल के लिए विभागों का बंटवारा किया। सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड, गोपाल राय को पर्यावरण और राजेंद्र पाल गौतम को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला। पुरुषों की तरह महिलाओं को भी सेना में स्थायी कमीशन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को बरकरार रखते हुए फैसले को 3 महीने में लागू करने का आदेश दिया। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव से NPR पर रोक लगाने की मांग की। कहा, NPR NRC लागू करने की प्रक्रिया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने की आलोचना करने वाली ब्रिटिश सांसद डेबी एब्राहम्स का वीजा रद्द। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वापस लौटाई गयी। पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में चर्च पर आतंकी हमला। गवर्नर ने कम से कम 24 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। और जापान के योकोहामा तट पर फंसे ब्रिटिश क्रूज डायमंड प्रिंसेस पर सवार यात्रियों में से 454 कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। चीन के बाहर संक्रमित मरीजों की सबसे बड़ी संख्या।